एक बाहिम्मत खातून जो है अपने शौहर को सपोर्ट करने के लिए कराची की सड़कों पे जो है उनके साथ जिंगर बर्गर जो है वो फरोख्त कर रही हैं। हमारी मुश्किल भी थोड़ी थी और काम का भी थोड़ा मसला था। अभी आसान बात तो नहीं, अब 40 लेकर ऊपर चढ़ना, ये शायद डॉक्टर ने मना किया, वजन ही उठा तो हमें कुछ हल नजर नहीं आ रहा था। वेलकम भाई। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू कराची फूड। दिस इज अरबाज खान एंड दिस इज मोहम्मद मसरूर। तो आज हम मौजूद हैं एक ऐसी जगह पे, आपने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल देखी होगी जिसमें एक बाहिम्मत खातून जो है अपने शौहर को सपोर्ट करने के लिए कराची की सड़कों पे जो है उनके साथ जिंगर बर्गर जो है वो फरोख्त कर रही हैं। तो आज हम इनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आए हैं और इनसे ये जानते हैं कि किस तरह से ये सारे इशूज़ को फेस कर रही हैं, क्योंकि इनका मोटिव सिर्फ और सिर्फ एक है कि ये अपने शौहर को सपोर्ट करें और अपने बच्चों की तालीम का जो है वो ज़रिया बनाएं। और इनका हम फूड भी आपको टेस्ट करके बताते हैं कि कैसा है, तो आए इनसे बात करते हैं। तो अरबाज भाई, जैसे आपने अभी बताया कि जो है वो इनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हैं, तो अब जैसे कि आप लोगों ने देखा भी है कि लॉकडाउन भी चल रहा है और जो है वो कोविड भी चल रहा है, तो उसमें इनको क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं, कैसे इन्होंने जो है वो सर्वाइव किया? हाँ बिल्कुल, हम इस बारे में भी इनसे बात करते हैं और ये इनसे पूरी डिटेल्स मालूम करते हैं। तो इस वीडियो को हमारे ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि इनको भी सपोर्ट हो सके और हमारी वीडियो भी जो है वो वायरल हो, ताकि जिन लोगों को इनके बारे में नहीं मालूम तो ये आज की लोगों के लिए, आज की ख़वातीन के लिए एक मिसाल है जो कि तमाम लोगों तक इनकी वीडियो को पहुँचना चाहिए। तो आएँ आपको बताते हैं। वेलकम बैक गाइस। तो हूर मील की जो इन्होंने सेटअप स्टार्ट करा है, इन्हीं की ज़बानी से सुनते हैं क्या इनका स्टार्टअप है, कैसे इन्होंने इसका स्टार्ट लिया और बाकी सारी चीज़ें इन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आप हमारे व्यूवर्स को अपना नाम बताइए। मेरा नाम शरीफा एजाज अली है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये क्या स्टार्टअप आपने कैसे किया, ये मतलब क्या सोचा, क्या जहन में आया, स्टार्ट बिल्कुल स्टार्ट से बताएं। जहन में तो हमारी मुश्किल भी थोड़ी थी और काम का भी थोड़ा मसला था,
और हमारी ख्वाहिश भी थी, मेरे हस्बैंड की मेरी ख्वाहिश थी कि हम खाने के कुछ काम करते हैं, उनकी ख्वाहिश शुरू से काफ़ी अच्छे से। तो हमारे पास गाड़ी थी, उसमें हमने थोड़ा सेटअप किया अपना, और सेटअप करके फिर हम बाहर निकले। हम सोचे थे क्या करते हैं, हमने कहा सिंगर बनाएंगे, सिंगर से शुरू करेंगे। अच्छा, तो ये सेटअप बनाने में कितना आप लोगों का एक्सपेंस लगा है? एक्सपेंस मेरा तकरीबन 8 से 9 लाख रुपए लग चुके हैं। 8 से 9 लाख रुपए इस सुजुकी को उसको किचन में कन्वर्ट करने में? जी, मैं सुजुकी तो मेरे हस्बैंड ने 4 सालों में बड़ी मेहनत करके इसको बनाई है, वो मैं आपको बयान नहीं कर सकती। ये पानी का काम था इसी गाड़ी में, इसी पानी की वजह से मैं ये गाड़ी बना सकी। उसमें बहुत इन्होंने मेहनत की, खुद ही करते थे पहले। अभी आसान बात तो नहीं, आप 40 लेकर ऊपर चढ़ना ये खुद करते, बहुत मेहनत की उन्होंने वहाँ से। इन्होंने फिर इनको बैक का थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, डॉक्टर ने भी मना किया। मैं तो होता था करते जाते थे, ज़्यादा होने लगा बहुत ज़्यादा। फिर डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने मना किया, वज़न नहीं उठाओ। तो हमें कुछ हल नज़र नहीं आ रहा था। फिर सोचा, फिर हमने थोड़ा सा ये कारोबार अपना बेच दिया पानी वाला। अच्छा, पानी का सेटअप आप लोगों का पहले अपना ही था? हाँ। इसलिए ये काम ही थोड़ा सा मुझे किसी ने हेल्प की थी, इसके दोस्त वगैरह थे वो करते थे, उन्होंने थोड़ा 10-15 बोतल देकर फिर मेरे हस्बैंड ऐसे ऐसे करके काफ़ी अच्छा करते करते स्लोली बढ़ते रहे, जितना वो कर सकते थे उन्होंने कर करके ये किया। ठीक है, बस इससे नस्बत मेरा ये। तो आप माशाल्लाह इतना फेमस हो गई हैं सोशल मीडिया पे, कैसा लग रहा है आपको? मुझे अच्छा भी लग रहा है, लेकिन मैं तो चाह रही थी मेरे हस्बैंड के साथ हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे आगे किया है। मैं तो कुछ भी नहीं, मेरे हस्बैंड का मुझे बड़ा सपोर्ट है। तो ये सारी मेहनत मेरे हस्बैंड की है, और सिखाने में ये जिंगर वगैरह सिखाना ये सब मेरे हस्बैंड ने सिखाया, मुझे तो कुछ नहीं आता था, कि मेरे हस्बैंड ने सिखाया। आप इनके साथ जुड़ी कैसे इस काम में? इनको शौक था ना, तो मेरा भी एक शौक था मैं निकलूँ मेरे हस्बैंड के साथ काम करूँ। तो ये बस, और थोड़ी फैमिली इशू की वजह से भी कि मैं साथ दूँ अपने हस्बैंड का, घर में बैठे बैठे तो मैं अपने हस्बैंड के साथ दूँ। फैमिली में कोई इशू तो नहीं होता? फैमिली, क्योंकि एक फैमिली को भी टाइम देना होता है एक, और फिर मैं एडजस्ट करती हूँ। बड़ी मेरी बेटी बड़ी है तो वो संभाल लेती है, 19-20 साल की है। तो अब शाम में मैं आती हूँ तो बाकी वो संभाल लेती है, अपने दादा को भी संभाल लेती है और छोटी बहन को भी संभाल लेती है। सुबह मैं सब करके आ जाती हूँ, बाकी काम वो फिर संभाल। आपके बच्चों की एजुकेशन वगैरह इस पर कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ता है, एजुकेशन वगैरह पे बच्चों की? मेरे बच्चे अभी सेकेंड ईयर कर चुके हैं, बड़े वाले, एक तो वो छोटी पढ़ रही है 1 क्लास में, उसमें थोड़ा सा उनको पढ़ना चाह रहे और आगे ना, तो मैं बचते नहीं है। तो ये किस्तों में मैंने गाड़ी बनाई है, जो कि पानी का काम बेचा तो मैंने उस पर लगाया। कुछ अभी भी मेरे पास कर्जे वगैरह हैं जो मैं। तो आपका पॉइंट यही है, और या इसके अलावा भी आपके मैंने कुछ वीडियोस में सुना था कि डिफरेंट प्लेसेस पे आप लोग होकर आए हैं, वहाँ लोगों ने काम करा, वो सारी चीज़ें? जी है, मैं यहाँ पर मेरी स्टार्टिंग यहीं से हुई थी, गुरु मंदिर से। वहाँ मेरा अच्छा शुरू हो गया, 60 से किया था, अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे। फिर यहाँ पर मुझे लोगों ने नहीं खरीदा, बिल्डिंग वालों को मसला, दुकान वालों को मसला, करते हैं लोग, क्या कर सकते हैं। मैं यहाँ से चली गई, फिर मैं गुरु मंदिर पर गई, वहाँ भी लगा है। तो वहाँ फिर पुलिस वालों ने मेरे हस्बैंड के साथ, मैं थोड़ा देर से जाती थी वहाँ पर, तो वो उनको लेकर गए थे, उनसे चले गए तो थाने में लेकर। मुझे बाद में पता चल, मैं गई तो मुझे पता नहीं कहाँ है मेरे बच्चा, मुझे नहीं पता क्यों मैं परेशान हो जाऊँगी। तो मैं हिम्मत करके मैं तो चली जाती, पुलिस वालों को भी मैं सुनाती, मैं नहीं जाती थी। मेरे हस्बैंड को हाथ लगा रहा है तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं रोड पर निकल के मेहनत ही कर रही हूँ ना भाई, क्या किया मेरे हस्बैंड ने, मेहनत कर रहा है बच्चों के लिए, कहीं और तो नहीं जा रहा, कुछ और तो नहीं कर रहा, कहीं नहीं गलत काम तो नहीं कर रहा ना। मैं नहीं थी तो वो लेके गए, बोला थाने में कुछ किया तो नहीं, बोला आप नहीं करना, नहीं तो आपकी रिपोर्ट दर्ज हो जाएगी। वहाँ दूसरे लोग भी, उनको भी हटाया, 1-2 हफ्ता आप नहीं लगाओगे, ठीक है हम नहीं लगाए, वहाँ से चले गए, हमारी ताकत नहीं है किसी से लड़ सकते। अच्छा, अब तो माशाल्लाह बहुत रश लगा हुआ है आपके पास और सारी चीज़ें, अब आप क्या देखती हैं आगे? आगे मैं देखती हूँ, मैं बहुत मेहनत के बाद, मेरे हस्बैंड है उसका सपोर्ट है, मेरे उस्तादों का सपोर्ट है, जो मुझे इतना सपोर्ट है, उम्मीद करते हैं मुझसे, मेरे हस्बैंड से आज मैं इतनी हिम्मत देते हैं कि हम आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। ठीक है, मेरी मेहनत, मेरे हस्बैंड की मेहनत और मेरी मेहनत है, और कुछ नहीं है। साथ ऊपर वाला है, वो कहते हैं हर बेची मर्द के पीछे औरत का आते हैं, मैं कहती हूँ मेरे शोर का आते हैं, लेकिन बराबर होना चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ, दो गाड़ी की पहिए बराबर। अच्छा, मुझे अब ये बताइए कि आपका जो ये रेस्टोरेंट आपने छोटा सा बनाया है, इसमें आपके पास क्या क्या कैटेगरीज है फूड की? मेरे पास स्टार्टिंग में तो मेरे पास सिंगर ही था, फिर लोग जरा करने लगे आप ये भी चीज़ रखो, तो फरमाइश थी लोगों की, तो मैंने अभी 3 आइटम और रख दिए, सिंगर बर्गर है और मैं शोरमा भी बेचती हूँ और चिकन बर्गर। तो प्राइजेस क्या है इनकी? चिकन बर्गर मैं 130 का देती हूँ, शोरमा 100 का है, और सिंगर भी 100 का है और 80 का है। 80 के साथ मैं फ्राइज नहीं देती, 100 के साथ मैं फ्राइज देती हूँ।
अच्छा आंटी, आप टाइमिंग्स मुझे बता देंगी? रमज़ान में भी नहीं, रमज़ान शुरू हुआ था तो मैं मगरिब के बाद आती थी, कल से मैं 5 बजे आऊँगी। वैसे रूटीन मेरा 5 का है, 5 से रात को 1 बजे तक होती है। अगर 5 बजे से रात 1 बजे जी। अच्छा, अभी लॉकडाउन होने वाला है तो मतलब फिर इसमें क्या स्ट्रेटजी होगी आपकी? ये ऊपर बेहतर जानता है, अगर वो लगाने देंगे तो लगाए, नहीं तो घर जाएंगे। होता है आप खाएँ, मैं बड़े प्यार से, मेरे हस्बैंड और मैं बड़े प्यार से बनाते हैं, दिल से बनाते हैं। ट्राई करें, जिनको भी खाना ट्राई करें। अभी मेरे से खा के गए, जो भी आया है आप लोग की नस्बत से, वो लोगों ने तारीफ करते, मेरी कोई भी ताकत नहीं है। आंटी, हमारा चैनल जो है कराची फूडीज है और हम लोगों को रियल टेस्ट का रिव्यू देते हैं, तो इंशाल्लाह आपके फूड को भी ट्राई करेंगे और रिव्यू देंगे अपने व्यूवर्स को। तो गाइज, आप लोगों ने देखा, इतनी मेहनत के बाद इन्होंने इतना अच्छा स्टार्टअप करा और फिर बहुत लोगों की परेशानी और सारी चीज़ें सबको बर्दाश्त करने के बाद आज इस मुकाम पर हैं कि अपना एक अच्छा सेटअप अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए रन कर रहे हैं। तो आप लोग आए यहाँ पर, इनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। बाकी इनके जो फूड का टेस्ट है वो उसका रिव्यू हम आपको देते हैं। गाइस, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे हाथ में जिंगर है, तो आए अब आपको जो है इसके बारे में रिव्यू देते हैं कि ये जिंगर किस तरह के। सरदार भाई, अब आप बताएं कि खाकर बताएं थोड़ा सा इसके बारे में, दिखाएं। यार आप बुजुर्गान हैं हमारे साथ आज मौजूद। अमीन भाई हर वीडियो में बोलते हैं कि यार अरबाज भाई मैं आपसे पहले नहीं खा सकता, आज आप बुजुर्ग हैं आप खाएं। अच्छा, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि जिंगर में जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें। अरबाज भाई, थोड़ी सी आपकी हेल्प चाहिए होगी, ये बॉक्स आप पकड़ लें, मैं थोड़ा सा इसको टेस्ट करके बताऊं। अच्छा, तो बर्गर जो है वो इनका बेहतरीन है, तो आप भी जो है इसको आकर जो है वो टेस्ट कर सकते हैं, खा सकते हैं और इनको आप जो है वो आकर सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन ना कि सिर्फ आपको इनके टेस्ट की वजह से जो है यहाँ पे आने की ज़रूरत है, हमारा यहाँ पे आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, ताकि हम जो इनकी कोशिशें काविशें हैं, जो अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए इनका स्पिरिट है, हम सिर्फ उसकी वजह से यहाँ पर आए हैं। और आप लोगों को भी इनके पास एक दफ़ा लाजमी विज़िट करना है और इनको आपने जितना ज़्यादा सपोर्ट हो सके वो करना है, साथ ही हमारी वीडियो और हमारे चैनल को भी सपोर्ट करना है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें लाजमी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।